नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबेट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के नंदगोला इलाके के अजय यादव के मकान में पुलिस ने छापेमारी कर लूट की योजना बना रहे चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अपराधी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, चार जिंदा कारतूस, चार खोखा, पांच मोबाइल और पांच बाइक को भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार सभी पेशेवर अपराधी हैं और पूर्व में भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस सभी अपराधियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हथियार भी बरामद किया। क्या योजना था? इन लोगों को लूट की योजना थी और चारों एक ही साथ थे। अब एक और था लेकिन वो तो भाग गया। जी, ये कहाँ पर छापेमारी की? नंदगोला अजय यादव के घर के आसपास किया गया था। घर में छापेमारी किया गया था, वही लोग रहते थे। क्या सर, इसका पूरा जो है इतिहास, आपराधिक इतिहास? हाँ, इसमें दो का तो मैंने कन्फर्म आपराधिक इतिहास है और एक जो है दीघा आसियाना मोड़ का है, उसका भी आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। क्या क्या बरामद हुआ? बरामदगी में दो अवैध हथियार है, जिसमें एक कट्टा है, एक पिस्टल है और चार जिंदा गोली है, चार खोखा है और पांच मोटरसाइकिल है, जिसमें अपाची भी है, एक बुलेट भी है, पल्सर भी है, R15 भी है, ये सब गाड़ी। पांच मोबाइल भी? हाँ, पांच मोबाइल भी बरामद। एक जो फरार हुआ है उसके लिए छापेमारी? हाँ, उसके लिए छापेमारी चल रही है। जी।